इस बात में कोई शक नहीं है कि भारतीयों में गोरे रंग को लेकर बहुत दीवानगी या यूं कहें कि पागलपन देखा जाता है। इसी वजह से हमारे देश में त्वचा को गोरा करने वाली क्रीम और ट्रीटमेंट हमेशा डिमांड में रहती हैं। यहां तक कि बॉलीवुड स्टार्स ने भी गोरी रंगत पाने के लिए स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट करवाया है। खबरों की माने तो पिछले कुछ दिनों में काजोल, दीपिका पाडुकोण, प्रियंका चोपड़ा ने स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट करवाया है। दीपिका पाडुकोण बॉलीवुड की मस्तानी यानी कि दीपिका पाडुकोण ने भी अपनी डस्क की टोन से परेशान होकर स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट करवाया। आप उनकी पुरानी फोटो और अब की फोटो में इस डिफरेंस को साफ देख सकते हैं। हाल ही में दीपिका पाडुकोण स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट ले चुकी हैं। मौनी रॉय टीवी से लेकर बड़े पर्दे तक हर जगह उनकी खूबसूरती के चर्चे हैं। हाल ही में मौनी ने अक्षय कुमार के साथ फिल्म गोल्ड की शूटिंग की। बंगाली बाला मौनी राय ने तो अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट दोस्त डॉक्टर रूबी टंडन के लिए 2014 में ग्लूथियोन नाम की स्किन लाइटनिंग टेक्नोलॉजी भी लॉन्च की थी। मौनी रॉय की पुरानी और लेटेस्ट तस्वीरें देखकर ये साफ पता चलता है कि उन्होंने अपनी दोस्त की काफ़ी मदद ली है। प्रियंका चोपड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाली प्रियंका चोपड़ा ने अपने कई इंटरव्यू में ये बात स्वीकार की है कि उन्हें अमेरिका में कई बार रंग भेद का सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि बचपन में भी उन्हें अपने रंग को लेकर काफ़ी कुछ सुनना पड़ा था। प्रियंका ने यहाँ तक बताया कि उनके रिश्तेदार उनके गहरे रंग को लेकर उन्हें चिढ़ाते थे, लेकिन एक समय के बाद उन्होंने इस चीज़ से खुद को उबार लिया था। काजोल ने पिंक विला के साथ एक इंटरव्यू में इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने कोई स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट लिया है। इस बारे में इंटरव्यू के दौरान काजोल ने कहा कि मैंने अपने करियर के 10 सालों में धूप के नीचे काम किया है, जिस वजह से मेरी स्किन टैन हो गई थी। अब मैं सूरज की धूप में काम नहीं करती, इसलिए अब मेरी त्वचा पर कोई टैनिंग नहीं। ये कोई स्किन वाइटनिंग सर्जरी का कमाल नहीं, बल्कि ये सब घर पर रहने की वजह से हुआ है। फ्रिडा पिंटो द ओपेरा मैगजीन में उन्होंने एक लेख लिखा कि काला रंग होने के कारण उन्हें बॉलीवुड में काम मिलने में कितनी दिक्कत आई। उस वक्त उन्होंने अपने रंग को बदलने का फैसला कर लिया। कुछ साल पहले मेरी मॉडलिंग एजेंसी ने मुझे गोरा करने वाले प्रोडक्ट का ऐड करने का ऑफर दिया, लेकिन मुझे पता था कि ये सब झूठ है और इनसे कुछ नहीं होता, इसलिए मैंने अपने दिल का बोझ हल्का कर वो ऐड कर लिया। बाद में मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैंने ऐसा विज्ञापन किया है। उस ऐड में ये बताया गया था कि आपका रंग जितना ज़्यादा गोरा होगा, सोसाइटी में आपको लोग उतना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। मैंने देखा है कि ऐसे विज्ञापन करने वाले लोग असल में काले होते थे, इसलिए वो हमेशा मुझे रिजेक्ट कर देते थे और मुझे इस बात की खुशी है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।